राधा स्वामी। बैसाखी का शाम का सत्संग है, कुछ कहना चाहता हूं, थोड़ा कड़वा बोलूंगा। बुजुर्गों ने कहा, गल्ला करनिया सौखिया औखे बलने बोल, पंजाबी में कहा है। गल्ला करनिया बहुत आसान है, लेकिन उन पर चलना बहुत कठिन है। संत मत को समझना आसान नहीं है। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, मेरे सुनने वाले मेरे आचार्य भाई सुन ले, केवल बाबा फकीर की सिफ्त करने से, उनके गुण गाने से तुम पार नहीं हो सकते। कैसे होगे पार, कैसे होगे? उन्होंने खुद कहा, दर्शन करे वचन पुण्य सुने, सुन सुन कर नित बन में गुने, गुन गुन कर ले तिस्सार, कर सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव वे सब गए हुआ। बात समझ गए इसका? सत्संग में बार बार जाओ, बार बार बात को सुनो, सुनकर उसको अंदर में उतारो, उसका निचोड़ निकालो, उसको पी लो, वो तुम्हें हजम हो जाएगा, तब तुम उस चीज को पार छोगे, बातों करने से पार नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? जिंदगी के तीन पहलू हैं। एक हमारा सामाजिक पहलू है, घर गृहस्थ है, बाल बच्चे हैं, बीवी है, वो जीने का एक रास्ता है। हमें वही भी जीना आता, घर घर में लड़ाई, मियां बीवी की नहीं बनती, बच्चों की नहीं बनती, कोई कुछ खाना चाहता है, कोई कुछ खाना चाहता है, ये शांति उस घर में कैसे आएगी? जिसका शरीर ठीक नहीं है वो भी भजन नहीं कर सकता, जिसके घर में कला है वो भी भजन नहीं कर सकता, जिसको खाने को रुचि नहीं है वो भी भजन नहीं कर सकता, जिसको कोई चिंता है वो भी बताइए कौन कर सकता है? जिसको चिंता है कोई, वो तो बैठेगा तो उसको सारी चिंता खा जाएगी। क्या कहा मैंने? बात को गौर से सुनते रहना मेरी बात को। पहले अपने घरों में शांति लाओ, अपने बच्चों को नेक बनाओ, अगर नहीं है तो उनका करैक्टर का ख्याल करो। बीवी बच्चों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बीवी बच्चों में झगड़ा है तो बच्चों में आगे बच्चे भी करेंगे, वो संस्कार आगे जाएंगे। और अपनी रोटी कमा के खाओ। क्या क्या? हाँ, बाबा फकीर जी ने रिटायरमेंट के बाद भी वो काम करते रहे और हमें बता दिया कि बेटा ऐसे जीवन जीना है और जी रहे हैं। क्या कहा मैंने? और दूसरा है धार्मिक जगत। कितने धर्म हैं मेरे देश में, हर इंसान किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो अच्छा है, शिक्षा मिलती है, हमें जीने का भाईचारा बनता है, हमारे में प्रेम पैदा होता है, अच्छी बात है, कोई धर्म बुरा नहीं है, सब धर्म ठीक है, हर धर्म की अपनी अपनी सीमा है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है, वो है अध्यात्म। उसका किसी चीज से मतलब नहीं है, वो तुम्हारा अपना अंदर का ज्ञान है, वो तुम्हें अंदर से मिलेगा, वो कर्मकांड से नहीं मिलेगा, वो बातों से नहीं मिलेगा, उसके लिए अपने जीवन को देना पड़ेगा, अपने जीवन का समय देना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपनी खुराक को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को देखने को ठीक करना पड़ेगा, अपना बोलना ठीक करना पड़ेगा, अपना सुनना भी ठीक करना पड़ेगा, तब तुम अंदर जा सकोगे। अगर जो बाहर की बातें सुनते रहोगे तो मुड़ जाओगे। एक बात पकड़ लो गुरु, हमने तो एक बात पकड़ी। मैं बड़ा भोला बच्चा था, बाबा जी से प्यार इतना था कि जब मैं बेचैन हो जाता था दौड़कर उनके घर भी पहुंच जाता था, जहां वो ड्यूटी करते थे वहां भी पहुंच जाता था और घर में भी चला जाता था। बात समझ गए? लेकिन उन्होंने मुझे मेरी संभाल की, बहुत संभाल की, मेरे पास जाते रहे जहां मेरी कोचिंग होती थी, और मुझे कहा एक बार, अजमसला बच्चा तुम्हें नहीं पता तेरे पास मैं क्यों आता हूँ। मुझे पता लग गया कि मेरे जीवन को सवारने के लिए वो
आते थे। और फिर एक बार ये भी मुझे कह दिया जब मैंने कहा पिताजी हमीरपुर का सत्संग का प्रोग्राम बनाए, कमरे में जाकर विनती की तो हुजूर ने हुक्का पीते थे छोड़ दिया, कहते बच्चा इस बूढ़े शरीर के साथ कहाँ तक लगा रहेगा, तेरे को मैंने हकीकत सच्चाई और असलियत बता दी है, उसको समझ और अपना जीवन गुजार, मैं तेरे साथ हूं। क्या कहा मैंने? आपने नारद मुनि का नाम सुना होगा, नारद मुनि शास्त्रों में ऐसा लिखा मैंने पढ़ा और दादा दयाल ने भी लिखा, और खासतौर पर दादा दयाल जी को पढ़ता हूँ, जब परम दयाल जी को पढ़ता हूँ मैं कुछ नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे मना है कि किताबें नहीं पढ़ना, मन को पढ़ना। तो नारद मुनि जब मातलोक में आते थे तो पहले ब्रह्मा के पास जाते थे, फिर विष्णु के पास जाते थे, फिर आखिर में शिव जी के पास जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी के पास जब बैठकर बातचीत करके चले गए तो ब्रह्मा जी ने उसके उनके सेव कोने जहाँ वो नारद मुनि बैठा था वहाँ से पोचा मारा, साफ किया उसको, सफाई की पानी से गोहे गोबर से। तो उसने पीछा मुड़ के देखा कि ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ से उठकर आया हूँ वहाँ पोचा मार रहे हैं। तो नारद मुनि वापस गया, कहता महाराज ये क्या हुआ, आपने मेरे जगह पर जा बैठा था पोचा तुम्हारा। कहते नारद मुनि तू निगुरा है, तेरा गुरु कोई नहीं है, इसलिए जहाँ तू बैठेगा वो जगह गंदी होगी, पहले गुरु का बात को ध्यान से सुनते रहना। वो कहते महाराज आप मेरे गुरु बन जाओ। कहते मैं नहीं बन सकता, मैं शीरधारी नहीं हूँ, मैं तो मेरी ड्यूटी लगी है। विष्णु साहब के पास गया, उन्होंने भी जवाब दे दिया, फिर आखिर शिव जी के पास गया। वो कहते मैं गुरु तो किसी का नहीं बनता, लेकिन महाराज में मुझे रास्ता बताओ, मेरा तो जीवन ऐसे चला जाएगा, मुझे तो ज्ञान मिलेगा ही नहीं, मैं तो घूमता ही रहूँगा। कहते अच्छा कोई बात नहीं नारद, एक रास्ता है कि तुम मातलोक में जाते हो ना, जाओ कल सुबह सूर्य निकलने से पहले किसी भी शहर में चल जाना, जहाँ तुम्हें कोई पहले आदमी मिले उसको मत्था टेक देना, वो तेरा गुरु होगा, वो तेरा गुरु होगा। वो आए तो देखा कि एक आदमी झाड़ू मार रहा है, झाड़ू मार रहा है, दिल में शंका पड़ गई। ओ उन्होंने कहा जो मिले उसी को गुरु बना लेना, ये तो नीच जात का है और झाड़ू मार रहा है, अंदर से आवाज आ रही यही है तेरा गुरु, इस चीज को दिमाग से निकाल दे कि ये कौन है, इसको अंदर से देख के ये क्या है, उसको उन्होंने गुरु माना। इसलिए पानी में लिखा है राधा स्वामी मत वह क्या समझे जो निगुरा और अज्ञानी है। कड़वी बात कह दी मैंने, मैंने कड़वी बात कह दी है, हजम कर लो, पहले गाइड लो, पहले अपना गाइड लो, कोई अनुभवी गाइड लो जो तुम्हें रास्ता ठीक बताए, और जिसको कोई आपसे लेना देना नहीं है वो हो, जिसको लेना देना है, डेरा बनाना चाहता है या अपना नाम लेना चाहता है या कुछ बनना चाहता है, वो आपको गाइड नहीं कर सकता। क्या कह रहा हूं मैं, संत मत की बात कर रहा हूं, संत मत उनके लिए है जो इस जन्म मरण से फ्री होना चाहते हैं, ये सबके लिए नहीं है। तुम किसी भी धर्म के हो उस पर चलो, तुम जिसको भी मानते हो उसको मानो, मगर एक को मानो, एक को मानो, एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए। बहुत घरों का मेहमान भूखा रह जाता है, ज्यादा जहां मेहमान जाना जाता है ना आदमी वो भूखा रह जाता है। एक को बतौर जिसको भी मर्जी, राम को मानते हो मानो, लेकिन ये मत समझो कि वो दशरथ का बेटा था,
वो कौन था? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। जो संत होते हैं वो सबसे न्यारे को मानते हैं, बाकी को किसी को नहीं मानते। क्या कहा मैंने? मानवता से उनको प्यार है, इंसानियत से प्यार है। वो सच्चे दिल से चाहते हैं कि ये मेरे पास आए, ये इंसान बन जाए, ये सच्चा बन जाए, जिसके अंदर की मैल दूर हो जाए, इसको अपना ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ। और जो पहला शब्द जब मैं हजूर के चरणों में पहुंचा 1956 में, तो मेरी तो लगन यही थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ क्यों आया दुनिया में। तो उस महापुरुष ने, उस सच पुरुष ने मुझे पहचान लिया कि इसके अंदर में कुछ जज्बा है, कि कुछ चाहता है। उन्होंने किताब पहले ही बना के रखी हुई थी मेरे लिए, उनको पता था कि आ रहा है, एक बच्चा आ रहा है, जानते थे वो। और जब मेरे को देखा तो मेरे शरीर में चेंज आ गई थी, और मैंने जाते ही उनके श्री चरणों में सिर रख दिया अपना, और उन्होंने अपनी किताब उठाई और मेरे हाथ में पकड़ा ली, खोल कर बच्चा ये शब्द पढ़, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, स्वामी जी का शब्द है। क्या कहा मैंने? उस वक्त मैं बच्चा था, मुझे उतनी समझ नहीं आई कि दादा ने क्या कहा। बाद में जब चिंतन किया, बार बार उसके ऊपर चिंतन किया, तब आंख खुली तो हो, मेरे दादा ने तो ये शिक्षा मुझे दी थी, ये शिक्षा दी थी। क्या कहा मैंने? मैं अब आपको एक शब्द सुनाता हूँ कबीर साहब का, बड़ा सिंपल, तुम्हारे लिए, जिस पर चलोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब का शब्द निकालो, अब मैं भूला रे भाई, पहले कुछ लाइने नहीं सुनना, उसमें कबीर ने खंडन किया है, कर्मकांड का खंडन किया है, मूर्ति पूजा का खंडन किया है, पहनावे का खंडन किया है, कोई किसी तरह के कपड़े पहनता, कोई किसी, उसका सब खंडन है। वो मैं नहीं चाहता कि आपको सुनाया जाए, टाइम वेस्ट होगा, जो असली बात है वो आप सुन लो, मैं वो सुना देता हूँ। मेरी बात को पकड़ते रहना, ये बाबा पीर का केंद्र है, इसको समझो और कुछ ले जाओ जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अगर नहीं लोगे तो जीवन वैसे का वैसे गुजर जाएगा, पशुओं की तरह आए, पशुओं की तरह चले गए। क्या कहा मैंने? आप केवल वो पढ़ो, दया राख धर्म को पाले, बाकी मैं नहीं सुना रहा आपको, क्योंकि उन्होंने सब चीज का खंडन किया है, कर्मकांड का खंडन किया है, दिखावे का खंडन किया है, ठोके ज्ञान का भी खंडन किया है। क्या कहा मैंने? लेकिन ये बात जो कही है ये तुम्हारे काम की है, सुनो। राधा स्वामी, कबीर साहब का शब्द, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, ये कहा गया है। अभिमान पाप है, जिसके हृदय सांच है ताके हृदय आप, जिसके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप, ये भी कहा गया है। पहले हृदय शुद्ध करो। दया, जिसने जो दुनिया बनाई है वो दया करने वाला नहीं है, वो जालिम है जिसने जो दुनिया बनाई है। देखो मैं देखता हूँ, मैं बाहर अपने घर में बैठता हूँ, कुछ फूल लगे हुए हैं, कुछ मेरे चारों तरफ बड़े दरख्त हैं, जंगल है एक तरह का समझो, तो वहाँ हर तरह का जानवर है। कोई मैं देखता हूँ कि कोई छोटा सा कीड़ा उड़ रहा है, उसको एक चिड़िया आएगी एकदम खा जाएगी, चिड़िया खा जाएगी उसको। जमीन पर कोई चीज़ चल रही है, उसको दूसरे जानवर खा रहे हैं। जंगल में देखो एक जानवर दूसरे को खा रहा है, और इंसान इंसान को खा रहा है, देख लो खा नहीं रहा। कितनी नफरत है, कितना द्वेष है, कितनी ईर्ष्या है, कहाँ प्रेम है, कहाँ पर एकता है? नजर मारो, दिल दहक जाता है। छोड़ो दुनिया को, अपने घरों में शांति रखो, दया रखो। कल आज
आज सुबह मेरे पास एक आदमी अपने पोते को लेके आया, बच्चे को लेके आया, बाबा जी बड़ा दुखी, बाबा जी ये बच्चा गुस्सा बड़ा करता है। मैं क्या करेगा, क्यों करेगा, इसकी माँ इसको गुस्सा करती है, इसका बाप इसको गुस्सा करता है, ये क्यों ना करेगा। उनको कहो इससे प्रेम करे, ये प्रेम मान जाएगा, प्रेम से बनेगा। हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, बुरे बुरे शब्द उनको बोलते हैं, तुम गधा है, तुम ये है, तुम कुछ नहीं है, तुम वो संस्कार क्या लेगा आपसे। क्या कह रहा हूं मैं, उन बच्चों को संस्कार दो, तुम्हारा खून है, उन पर दया करो। औरत इंसान के अर्धंगनी है, इंसान की अर्धंगनी है, आधा हिस्सा है, उसकी इज्जत करो। वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, वो तुम्हारे घर की सरस्वती है, वो तुम्हारे घर की दुर्गा भी है। पति के साथ खड़ी हो वो ही होती है, दूसरा नहीं खड़ा होगा। अगर वो पति के साथ जानती है तो ये दुख आया, वो साथ खड़ी हो जाएगी। क्या कहा मैंने, दया राख, धर्म को पालो। ये धर्म क्या है, ये धर्म टिक्का लगाना नहीं है, ये धर्म पूजा करना नहीं है, ये धर्म है माता पिता के प्रति बेटे का धर्म सेवा करना, ये धर्म है। सुन लो, शास्त्रों ने कहा, मैंने हुजूर महाराज के मुखारविंद से भी सुना कि जो लड़के या जो लड़की अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और लड़का अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनको घर से बाहर फेंकता है, अगले जन्म में उनके कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। मेरे पास 6 महीने हो गए, एक लड़का था लड़की आए सुबह मेरे सामने, वो ये सेब का वो रख दिया। मैं कह दसो कैसे आए बच्चा, मेरी आदत है मैं पूछ लेता हूँ, महाराज जी बच्चा नहीं है। मैं क्या अभी नहीं, सत्संग के बाद मिलना। वो आ गए, महाराज जी प्रसाद दे दो। मैं क्या सुनो प्रसाद देता हूँ, कितने साल हो गए शादी हुए, महाराज जी 5 साल हो गए बाबा जी। अच्छा तू बेटी अपनी ससुर माँ की सेवा करती है, कभी उसको मत्था टेकती है, उसको चाय पिलाती है, खाना खिलाती है। नहीं जी मैं नहीं करती कुछ भी। अच्छा अपने ससुर की कोई इज्जत करती है, उसको कोई सेवा करती है। नहीं जी। मैं तो हैरान हो गया, मैं लड़के को पूछा, मैं कहा बेटा तू माँ बाप की सेवा करता है, कहता नहीं जी। मैंने कहा मेरे पास क्या लेने आए हो, मेरे पास क्या लेने आए हो, हाँ प्रॉमिस करो कि तू अपनी सास के सुबह उठकर पांव हाथ लगाएगी, उनको चाय पिलाएगी, खाना खिलाएगी, तो फिर मेरे पास आना। तू बता माँ बाप की सेवा करेगा, कहते नहीं जी ये तो नहीं हो सकता। मैं क्या उठाओ ये चकड़ो अपने एप्पल और रास्ता जाना निकल जाओ। जिसको माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है वो किसी गुरु का भी आशीर्वाद वहां काम नहीं करेगा। और सुन लो कथा है, छोटी सी कथा है, मैं चलता हूँ धीरे धीरे, कुछ कह दूँ क्योंकि सुबह बहुत लोगों ने चले जाना है। कहते हैं शिव जी और पार्वती काफी बूढ़े हो गए, तो एक दिन पार्वती कहती महाराज अब हमारा शरीर कमजोर हो गया, चलो हिमालय चलते हैं, 2 बच्चे हैं हमारे कार्तिक है और ये गणेश है, इनको ड्यूटी दे दो, अपने अपनी ड्यूटी करें। कहती है हाँ बेटी आप पार्वती आपका कहना तो ठीक है। दोनों को बुला लिया, दोनों बच्चों सुनो मेरी हमारी बात, अब देखो हमारे से घर गृहस्थ नहीं चलाना, हमने अब फ्री हो गए हैं, जो कुछ करना था हमने कर दिया, तुम अब हम आपको ड्यूटी देंगे और मैं चाहता हूँ अपना सारा जो अधिकार है वो आपको दे दूँ। हाँ महाराज दसो, पिताजी बताओ। कहते हमारे देश में 68 तीर्थ हैं, 68 68 तो जो वहाँ करके
शीर्ष आ जाएगा उनको हम टिक्का लगा देंगे। तो कहते हैं जो कार्तिक था वो तो मोर की सवारी करता था, गणेश जी चूहे की सवारी करते थे, पार्वती शेर की सवारी करती थी और शिवजी महाराज उसकी नंदी की सवारी करते थे। देखो कितना बड़ा खेल है, एक परिवार में ऐसे जानवर जो एक दूसरे के दुश्मन हैं लेकिन इकट्ठे रहते, कहाँ शेर कहाँ भैंसा कहाँ चूहा कहाँ सांप गले में, और चूहे का तो ये भी सांप का मोर भी दुश्मन है और चूहे को भी खा जाता है। तो कार्तिक तो चला गया, अब रह गया बेचारा गणेश, भारी शरीर, चूहे की सवारी कहाँ जाए। थोड़ी देर रुका और अपने माता पिता के साथ चक्कर काट के मत्था टेक दिया, कहता मुझे नहीं पता था सकती तो आप ही सब कुछ है, उनको मत्था टेक दिया। उन्होंने उस पर सिर पर हाथ रखा, जा बच्चा सदियों तक तेरी पूजा होगी। और हमारे समाज में आज भी गणेश की पहले पूजा होती है, देखा आपने ना क्यों होती है, माता पिता का वरदान है। अच्छा है या कथा है या रोचक बात है इसके पीछे मैं नहीं जाता, लेकिन जिस घर में माता पिता की सेवा हो रही है वहां किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। क्या कहा मैंने, और ये मैं बताया। नंबर वन, बेटे का माता पिता के प्रति सदव्यवहार, उनकी पूजा, ये धर्म है। शादी हो गई तो पत्नी की पति के प्रति और पति की पत्नी के प्रति जो ड्यूटी है वो धर्म है। बच्चे पैदा हो गए तो फिर दोनों माता पिता का अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, उनको अपने पांव पर खड़ा करना, ये माँ बाप का धर्म है। क्या कहा मैंने, बाकी कोई धर्म नहीं है, वो धर्म हमारी परंपरा है। किसी संत ने किसी महापुरुष ने धर्म की बुनियाद नहीं रखी, हमने रखी, हमने स्वार्थ रखा हमने। और छोटी सी बात सुनाऊं, छोटी सी आंखों देखी वो करता हूँ। मेरे घर में एक पंडित जी आया करते थे, हमीरपुर की बात है, हमीरपुर की बात है, वो हर इतवार आते थे और बैठ जाते थे, मैं भी घर में होता था। कभी वाइफ ने कहा पंडित जी चाय पियोगे के रोटी खाओगे, उसने कहा बीबी जी चाय पी लाना, और कभी कभी कहना मैं बीबी जी रोटी भी खा लूँगा, चलो आनंद आ। एक दिन वो मेरे पास बैठ गया, कहता बाबू जी एक बड़ी बहुत भारी चिंता है, बात को गौर से सुनना। मेरा बेटा जो बह गया, क्या चिंता, मेरा बेटा सीधा साधा है, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, वो काम तो कोई करता नहीं, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। मैं कहा पंडित जी अच्छा कोई बात नहीं है, मैं बताओ तुम्हारे पास थोड़ी ज़मीन है, कोई थोड़ी ज़मीन है। हाँ बाबू जी ज़मीन तो है, ज़मीन मेरी है 6-7 मरले। मैं कहाँ है, सड़क के किनारे पेट्रोल पंप है उसके साथ मेरी ज़मीन है। ले मैंने कहा पंडित जी आपकी तो पाँचों भीमे और सिर कड़ाही में। तो वो बड़ा हंसा, कहता महाराज, कहते बाबू जी की गल। मैं कह कुछ नहीं करना, वहाँ छोटा सा कमरा बना दे, बना लेगा। हाँ बाबू जी अगर कुछ काम बन जाए तो मैं बना दूंगा। मैं कह बस वो बना दे और उसमें एक देवी की मूर्ति रख दे, और उस लड़के को कहना सुबह शाम वहाँ दिया जलाए, धूप जलाए और गंजी बजाए और कुछ ना कुछ गुनगुनाए। 5-7 औरतें आ जाएंगी, वो भी उसके साथ तालियां बजेंगी, तो फिर तो कीर्तन शुरू हो गया और आगे चल पड़ेगी। 5 बीबियाँ गई वहाँ 10 भी जाएंगी। मेरी भोली बेहाली बहने इन कामों में बहुत आगे हैं, एकदम बस वहाँ जाना, वहाँ कीर्तन हो रहा है। अच्छा है, बुरा नहीं है, मैं नहीं इसको बुरा मानता, दिल लगा रहता है, देवियों का दिल लगा रहता है। तो उसने कर लिया, मैं कोई मैं ट्रांसफर होकर ऊना आ गया वहाँ से। तो कुछ 5-6 साल के बाद मुझे
वहाँ बड़ी वाकफी थी, एक शादी में बुलाया तो मैं शादी में गया, तो मेरी गाड़ी उसी सड़क से जानी थी, उसी सड़क से, तो मैंने देखा वहाँ बड़ा तंबू लगा हुआ है, लाउडस्पीकर लगे हुए हैं, कथाएं हो रही हैं और कीर्तन हो रहा है। मैंने कहा पंडित जी का गुजारा हो गया, जो नहीं कुछ कर सकते मंदिर बना लो बैठ जाओ। क्या कहा मैंने, तुम्हारे घर में बड़ा कुछ आ जाएगा, ये सब पाखंड है, झूठ है। क्या कहा मैंने, दया रख, धर्म को पाल, फिर क्या रख, हम यहाँ सदा रहने वाले नहीं हैं, हम जहाँ कुछ निश्चित समय के लिए आए हैं, हमें कोई ड्यूटी मिली है, उस ड्यूटी के निर्लेप होकर करो, निस्वार्थ होकर करो, और उसको ये समझो कि ये उस मालिक के कुल की ड्यूटी है, मैं जहाँ अपने सदगुरु की ड्यूटी दे रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी जो है, ये मेरे सदगुरु बाबा फकीर की ड्यूटी दी हुई है। क्या कहा मैंने, ड्रग से रहे उदासी, अगली लाइन पढ़ो, अपना साजीव, अपना साजू सबका जाने, अपना साजू सबको जाने, ताई मिले अविनाशी। अगली लाइन, जब तक आप सब जीवों को अपने जैसा नहीं समझते कि मैं ही हूं वो, तो तुम अविनाशी उस मालिक को नहीं पा सकते। अब एक बात मैं बड़ी ऊंची करने लगा हूं, प्रैक्टिकल साइंटिफिक, सुनी सुनाई नहीं, बता देता हूं कि आप सब में एक ही बैठा है, जो मेरे में है वो आप सब में है, मन अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, दो चीजें सेम है, प्रकाश रूपी आत्मा तुम्हारे अंदर है और सूत्र रूपी मालक की अंश तुम्हारे अंदर है। कैसे, अब ध्यान से सुनना, मैं यहां बैठा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, मैं सबको एक ही रूप नजर आ रहा हूं कि अलग अलग, बहनों को कोई अलग नजर आ रहा हूं या तुम्हें कोई अलग नजर आ रहा हूं, एक ही नजर आ रहा हूं ना, इसका मतलब तुम्हारे अंदर देखने वाला एक ही बैठा है। पकड़ी बात मेरी, मेरी बात को पकड़ो, तुम्हारे अंदर मुझे देखने वाला एक ही बैठा है, दो नहीं है। मैं बोल रहा हूं, आप सब मेरी वाणी को एक साथ सुन रहे हैं, ये नहीं कि आप अंग्रेजी में सुन रहे हैं, ये पंजाबी में सुन रहे हैं, पीछे मराठी वाले सुन रहे हैं और अंग्रेजी, सबको एक ही वाणी सुन रही है, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर सुनने वाला भी एक है। पकड़ रहे हो बात, तुम्हारे अंदर सुनने वाला भी एक है। मैं नमक खाता हूँ, तुम भी नमक खाते हो, तुम्हारे भी नमक लगता है एक ही नमक का स्वाद, मुझे भी एक ही नमक का स्वाद है, तो सब खाने वाले भी तुम्हारे अंदर ये नहीं है कि नमक मैनू मीठा लगता, इन्हों कड़वा लगता, बाबा जी नू कैंसर लगता, नहीं एक ही है, तो खाने वाला भी तुम्हारे अंदर एक ही है। सुन रहे हो बात को, और फिर बोलने वाला भी बता दिया, देखने वाला भी बता दिया, खाने वाला भी बता दिया। अगली बात, मैं अपने शरीर में जो कुछ हो रहा है कुछ नहीं कर रहा, तुम, मैं रोटी खाता हूं, मुझे नहीं पता कैसे पचती है, तुम भी बता दो, अगर रोटी खा के कुछ पचाने के लिए करते हो वो खुद ही पचती है कि नहीं पचती, खुद ही पचती है, खुद ही तुम दूध पीते हो उसका पानी बनकर निकलता है, सबका अलग नहीं है, मीठा सबको मीठा लगता है, वो कड़वा नहीं लगता। क्या साबित हुआ कि तुम सब में देखने वाला भी एक है, सुनने वाला भी एक है, बोलने वाला भी एक है और खाने वाला भी एक है, अंदर जो हो रहा है वो भी सबके अंदर एक है।
जब हम ये अनजान जाएंगे तो कहाँ रही जातियाँ, कहाँ रहे धर्म, कहाँ रही संप्रदाय, कहाँ रहे पार्टियाँ, कहीं भी नहीं है। हमने बनाया सब कुछ अपने अपने स्वार्थ के, हमें बेवकूफ बनाया है। हम अब संत मत की शिक्षा आएगी आएगी और इंसानियत का झंडा जलेगा। जब तक इंसानियत नहीं आएगी, जब तक ये ख्याल नहीं आएगा कि ये तो मेरा ही है, भाई है, जैसा ये वैसा मैं हूँ, तो हम किसी के बुराई की क्यों करेंगे, हम किसी को क्यों कष्ट देंगे, हम किसी का हक क्यों मारेंगे, हम किसी से धोखा क्यों करेंगे, हम क्यों मिलावट करेंगे। हम मिलावट करेंगे तो अपना आप ही सत्यानाश करेंगे, हमारा ही नुकसान होगा। लेकिन हम नहीं डरते। लोग कहते हैं ये जग मिठा अगला कंडिठा, इत्थे कर लो जो करना। अजकल एक और में सुनी आवाज कि कमा लो जिन्ना कमा सकते हो, अजकल ही होना फिर नहीं होना, जितना मर्जी कमाओ, रिश्वत करो, जो मर्जी करो। देखा है मैंने, मेरे साथ बीती है, मैंने देखा है। क्या कहा मैंने, दया राख धर्म को पाले जग से रही उदासी, अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। देखो सब में वही है कि नहीं, साबित कर दिया मैंने, कोई मैंने कहानी नहीं बताई, मैं साबित कर दिया कि तुम सब में मेरा ही रूप बैठा है। और सब गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने कहा एक पिता एक इसके हम बालक, वो एक हमारा पिता है, हम उसके सब बच्चे हैं। कितने महान महापुरुष हमारे देश में आए, हमने इधर से सुनी इधर से निकाल दी। क्या कहा मैंने, हाल क्या है हमारा, हमारा हाल क्या है, मेला लगा हुआ है एक बड़ा भारी मेला, उस आदमी ने सुंदर सुंदर मूर्तियां बना के रखी हैं मेले में। मेले में बड़ा कुछ होता है ना, इधर भी मूर्ति, यहाँ भी मूर्ति, यहाँ भी मूर्ति, इधर भी मूर्ति। तो मेरे जो आदमी गया, कहता भाई साहब यह मूर्ति बहुत सुंदर है, ये किन्ने दी है, कहता 5 रुपए की। अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ी सस्ती है ये, और ये जो है ये कैसी है, कहते जिसके 15 रुपए। वाह भाई कमाल, जैसी ये है वैसी ये है, कहते बाबू जी ये बात नहीं है, ये अलग है ये अलग है। कहता क्या फर्क है, कपड़ों में फर्क है, नहीं कपड़े तो एक ही है। कहता उसने एक तिली रखी हुई थी, एक तिली जानते ना लंबी बांस की, एक बांस की छोटी झाड़ू में जो होती है, उसने वो निकाली और इधर से डाली जो 5 रुपए वाली थी और इधर निकाल दी, इधर डाली इधर निकाल दी, है इसके 5 रुपए, ये बताओ ये क्या है। उसने इधर से डाली वो इधर निकले ही ना, इधर नहीं निकले, इधर से डाली इधर भी नहीं निकले। कहता बाबू जी इसके 15 रुपए। अच्छा क्या हुआ इसका, कहता ये जो सुन लेती है उसको अंदर उतार लेती है, ये इधर नहीं निकलने देती, और ये जो है अभी सुना इस कान से सुना इधर से निकाल दिया। हमारा वो हाल है, 15 रुपए वाली मूर्ति बन जाओ, इस शरीर की तकीमत ही कोई नहीं है, ये अनमोल है, ये नारायणी देह है, ये अखिल मखलूकात है, ये टॉप ऑफ द क्रिएशन है, तुम सबसे ऊपर हो फिर भी तुम नीचे गिर जाते हो, क्या करते हो तुम। मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूँ, अपना आपा आप पहचानो, कहा किसी का नेक ना मानो, अपने आप को देखो तुम कौन हो, तुम्हें पता लग जाएगा। तुम रास्ते पर चलना तो शुरू करो, तुम चलो, तुम्हें गुरु पीछे से सहारा देगा, जो भी तुम्हारा गुरु है, जो भी तुम्हारा इष्ट है, उसको तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, मगर उसको सच्चे दिल से याद करो। क्या कहा मैंने, मैं किसी को ये नहीं कहता कि बाबा फकीर को मानो या मुझे मानो, मैं तो मानने के योग्य नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो क्लेम ही नहीं करता कि मैं ये हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, जो बना वो मिटेगा, ना बनने में सुख है। क्या कहा मैंने, ना बनने में जो सुख है, वो बापू बापू कहते सी तो सदा सुखी रहते सी,
ਬੜਾ ਵਿਵੇਕ। ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਕਹਾਇਆ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੈਂ, ਬਾਪੂ ਕਹਾਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਦਾ। ਤੋ ਬਾਪੂ ਕਹੋ, ਬਾਕੀ ਛੋੜੋ ਛੁਪ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ, ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੈਂ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ, ਸਹਿ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਬਾਦ ਕੋ ਤਿਆਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਪੀਰੇ ਮੁਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਥੇ, ਵੋ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਥੇ ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰ, ਔਰ ਵੋ ਉਰਦੂ ਮੇਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਥੇ ਔਰ ਮਸਤੀ ਆ ਜਾਤੀ ਥੀ, ਵੋ ਬਾਜੇ ਸੇ ਗਾਤੇ ਥੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਤਣ ਜਿੱਤਣ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਤਣ ਜਿੱਤਣ ਹਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿੱਤਣ ਜਿੱਤਣ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਹਾਰੇ ਫਕੀਰਾ, ਫਕੀਰ ਦਿਲ ਸੇ ਹਾਰਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਜਿੱਤਣ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਹਾਰੇ ਫਕੀਰਾ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀਰਾ। ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਮੈਂ, ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਪਛਤਾਏਗਾ ਬਾਅਦ ਮੇਂ, ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਮੈਨੇ ਕਭੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਕਭੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਕੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਵੋ ਥੇ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਦੁਸ਼ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਮੁਝੇ ਕਹਿਤੇ ਥੇ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੇ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘੋਣ ਮੋਣ ਪੜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜਲੇ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਘੋਣ ਮੋਣ ਪੜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕੋ, ਸਹਿਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਦ ਕੋ ਤਿਆਗੇ ਛਾੜੇ ਗਰਵ ਗਮਾਨਾ। ਗਰਵ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਗੁਮਾਨ, ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਸਮਝ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਮੇਰੀ, ਆਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 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 ਹੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਮੇਂ ਬੈਠਾ, ਬੱਚੋਂ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੇ ਕਹਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਬਾਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਕੋ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਦੇ ਜਾ, ਧਨ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਦੇ ਜਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਗਿਆਨ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿਤੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਐਸੀ ਬਾਤੇਂ ਹੋਣਾ, ਵਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੈ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਬਹੂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਸੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਾ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਮਿਲਾ, ਬਾਤ ਸਮਝ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਦਿਆ, ਜਿਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜੇ, ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਆ, ਹਮ ਕੈਸੇ ਆਏ ਥੇ, ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਸੇ ਆਏ ਥੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਐਨ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਬ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਰ ਚਲੋ, ਤੁਮੇਂ ਵੋ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਮੇਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਮੇਂ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਮੇਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਵਹਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਕਾ ਵੀ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਵੋ ਅਗਮ ਹੈ, ਵੋ ਅਨਾਮ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਤੋ ਨਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋ ਹਮਨੇ ਰੱਖੇ,
उसका कोई नाम नहीं है। जब तुम अंदर जाओगे, अपने अंदर जाओगे, तो देखोगे कि वहां क्या है। हैरत 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 हुई, हैरत नाम तना तन छोई। वहां तुम्हें पता लगेगा कि ये दुनिया क्या है, स्वप्न है, कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? लेकिन अपनी ड्यूटी पहले कर लो। ये किसके लिए धर्म, किसके लिए है? ये बाण किसके लिए है? स्वामी जी ने शर्त लगा दी, विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु गुरु जाके। पहले दुनिया भोग लो। बाबा फिर कहा करते थे, कोई ख्याल आया बच्चों भोग लो, नहीं तो सपने में आएगा। जो इच्छा है पूरी कर लो, अभी कर लो, उसको खत्म करो, इच्छा को पालो मत। तभी कबीर ने कहा, मन तू थकत थक थक जा, हे मन मेरे तू थक जा, हूँ ख्याल छोड़ दे, आशाएं छोड़ दे, कामनाएं छोड़ दे, अपने आप पे अंदर आ जा, ही विल टेक केयर ऑफ यू, वो खुद ही तेरा सब कुछ करेगा। तू क्यों मांगता है? मेरे दादा कहा करते थे, तुम तो राजकुमार हो, क्यों मांगते हो? और मैंने कभी अपने सतगुरु के आगे कुछ नहीं मांगा। हालांकि घर में बहुत गरीबी थी, परिवार बड़ा था, अकेला बाप पालने वाला था, मुझे पता उन्होंने कैसे पढ़ाया, लेकिन मैंने कभी पिताजी से ये नहीं कहा कि पिताजी मैं आज पेपर देने जाना, मैं आशीर्वाद दो, नहीं कहा। जब मैं घर की कोई बात नहीं की, उन्होंने भी मुझे नहीं पूछा तू कहाँ से आता है बेटा, तेरे माँ बाप कौन है। ये उनकी ग्रेटनेस, क्योंकि उन्होंने मुझे पहचाना, जिस लेवल पर पहचाना मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की है। उनका आशीर्वाद है, मैं आपके दिल से, सच्चे दिल से सेवा करता हूँ मेरे प्यारियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ तुम्हें पहले शरीर की तंदुरुस्ती मिले, शरीर की तंदुरुस्ती पहले, रोटी कमाने का साधन दूसरे नंबर पर। रोटी कमाने का साधन नहीं है तो घर वाले भी कह देते बापू उन सब्जी खत्म हो गई, इतने खा ला, न्याणे खा गए रोटी, सब्जी है नहीं। क्या कहा मैंने? अपनी कमाई का साधन रखो। मुझे तो देखो सच्ची बात है, गवर्नमेंट की सर्विस की है, पेंशन मिलती है, मौज लगी हुई है। मैंने कभी ऐसे हाथ नहीं किया जिंदगी में, ऐसे ही किया, ये उनकी कृपा है। तो क्या कहा पढ़ो, सहेगु शब्द बात को क्या करे, छाड़े गर्व तुम्हारा, सत्य नाम ताही को मिली है, कहे कबीर सुधारा। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाए। सतगुरु ने जुगत लखा दी कि सतनाम किसको मिलेगा। आज तो सुबह जाओ, शाम को नाम लेकर आ जाओ। कबीर ने कह दिया तो जो इस बात पर चलेगा, सतनाम केवल उनके अधिकार में आएगा। ये तीन बातें आप याद रख लो, ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कोई भ्रम मत करो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुम बड़े हो, तुम इंसान हो, तुम मालिक के रूप में आए हो यहाँ। मालिक ने दुनिया बनाने वाले ने तुम्हें अपने रूप में पैदा किया है, इसलिए अपनी कदर करना सीखो, अपनी इज्जत करना सीखो और अपने घरों को स्वर्ग बना लो, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। और बाबा फकीर ने ये कहा, जिस घर कला कलंतर बसे, तिस घर पानी कढ़ो नसे। जिस घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकेगी। वहाँ लक्ष्मी, मुझे छोटी सी बात याद आ गई, वो भी सुना देता हूँ। एक परिवार था जिनके घर में 5 लड़कियाँ थी, बाप नेक, पत्नी बहुत नेक, अच्छी कमाई करते थे, अपने खेती बाड़ी करते थे, घर में बड़ी खुशी, आनंद, धन की कोई कमी नहीं, प्यार की कोई कमी नहीं। तो एक दिन वो घर का मालिक अपने कमरे में लेटा हुआ, तो उसके कमरे में रोशनी हुई,
तो एक देवी प्रकट हो गई, उसने उठकर उसको प्रणाम किया, माता आपको प्रणाम, आप कौन हैं? कहती मैं इंसान के लेख लिखती हूँ, ये इंसान दुनिया में कैसा रहेगा, भाग्य लिखती हूँ भाग्य। तो देवी आपने कैसे दर्शन दिए? कहती मैं आपको तेरा भाग्य बताने आई हूँ, तुम नेक हो इसलिए मैं आई, तेरे घर में प्रेम भी है, एकता भी है, सुख भी है, शांति भी है, धन भी है, दौलत भी है, लेकिन अब तेरे पास तेरा समय ऐसा आ गया है कि आपको एक चीज का त्याग करना पड़ेगा, एक चीज मैंने लेनी है, या धन दो दो या घर का प्रेम दे दो। वो कहता देवी जी मैं तो फैसला नहीं कर सकता, मैं नहीं फैसला करूंगा, मैं तो अपने परिवार से बैठकर उनकी आज्ञा से मुताबिक जो कहेंगे वो करूंगा। उदास हो गया, सुबह उठा उदासी, शाम को उसने फिर आ जाना है, तो बच्चियों ने पूछा पापा आज आप बड़े उदास उदास क्यों हुए हैं, क्यों उदास हैं आप? तो बच्ची हर सुचारू पंजे आ गई हैं, पापा क्या गल है? तो उसने कहा बच्चियों रात एक देवी आई, उसने मुझे कहा कि तेरे घर में धन भी बथेरा, तेरे घर में एकता भी बड़ी, प्रेम भी बड़ा, तो मैं एक चीज ले जानी है, चाहे धन दे दे चाहे प्रेम दे दे। तो मैं अब पड़ गया हूँ दिक्कत में कि मैं क्या क्या बताऊँगा उसको, मेरे घर में तो स्वर्ग है। तो बच्चियाँ भी सोचने लगी, तो छोटी बेटी कहती पापा काहे को डरते हो, उसको कह तू धन ले जा, हमारा प्रेम ना लेके जाए, हमारी एकता ना लेके जाए, धन की हम नहीं परवाह करते, उसको कह धन ले जा। बात समझ गए? तो रात को आ गई, कहती क्या फैसला? कहती मेरे बच्चों ने फैसला किया धन ले जा, धन ले जा। कहता लो ये तो उल्टा हो गया, मैं तो घर की शांति ले जानी थी, अब शांति तो आपने दे दी नहीं मुझे, घर का प्रेम तो दिया ही नहीं, एकता तो दी नहीं, तो धन में कैसे ले सकती हूँ, वो मैं नहीं ले सकती, ये ऐसे ही रहेगा। क्या कहा मैंने, बात को समझो, जहाँ एकता है यहाँ प्रेम है, जहाँ एक दूसरे का दुख समझते हैं, बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, अब तो घर घर में तो एक एक कमरे में तो टीवी लगी हुई है, वहाँ एकता कहाँ है? बात मेरी समझ गए? तो घर की एकता नहीं जाने देनी, दया रखनी, बच्चों को कभी बुरा नहीं कहना, वो तुम्हारी औलाद है, वो तुम्हारे से आगे जाएगी, जब वो तुम्हारे से आगे जाएगी आप बड़े खुश होंगे। क्या कहा मैंने, मुझे अपने बाप का पता है, जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर बन गया तो मैं उनको फंक्शन पर बुलाया करता था, कॉलेज में फंक्शन होते थे तो बहुत अच्छी सेहत थी उनकी, 6 फुट लंबे थे, तो मैं जब उनको देखता था वो तो अपने मूछों को ताव दिया करते थे, उन्होंने मूछे रखी हुई थी, दाढ़ी रखी हुई थी, सिर पर पगड़ी बांधते, तो मैं खुश होता था कि मेरा बाप मुझे देखकर खुश हो रहा है। बात समझ गए? मेरे बाबा फिर कहते थे मैं तो स्टेशन मास्टर बन गया, मेरा भाई रेलवे का जनरल मैनेजर बन गया, तो मेरे बाप कितने गर्व में थे, वो बहुत खुश होते थे कि मैं सिपाही और मेरे बच्चे कितने लायक हो गए। क्या कहा मैंने, बच्चों को लायक बनाओ, घर में प्रेम रखो, कभी झगड़ा मत करो, दिन बदल जाते हैं, दिन नहीं रहते, जो आज है वो कल को नहीं होगा, कल यहाँ ये रौनक नहीं होगी, आज ही है। क्या कहा मैंने, तो मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, आखिर में फिर कहता हूँ अध्यात्म तुम्हारा अपना धर्म है, अपना समाज में रहना है तो जिसको जिस सर्कल में तुम रहते हो, सनातन धर्म को मानते हो उसको मानो, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को मानते हैं उसको मानो, बच्चे आए जो मेरे के, मैंने कहा जो मानना है वहाँ जाओ गुरु ग्रंथ साहब के पास पाठ कर मानो। बात समझ, एक दफा की बात सुनाता हूँ, दूसरी बात तो क्या करनी, मैं पटियाला में था तो एक सरदार साहब मेरे प्रेमी बन गए,
वो मेरे कैबिनेट में आ जाना, उन्होंने जब खाना खाते थे तो बातचीत करनी। कहते बाबूजी एक बात सुनाऊँ आपको, मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है, वो स्कूल में पढ़ाती है, तो वो मेरे पास एक दिन आके बहुत रोई। कहती वो गुरुद्वारे जाती थी हर रोज़, मत्था टेकती थी दुख निवारण साहब में, तो वो कहती चाचा मेरी जड़ी प्रिंसिपल है मेरे ना बहुत खार खांदी है, मैंने रोज़ ताने मार दी है, मैं तेन ट्रांसफर करा देना, तेन मैं उत्थे भेज देना, तेन मैं उत्थे भेज देना, तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो कहना मैं उन्होंने कहा बेटा घबरा मत, तू जिसले गुरुद्वारे जानी ना सच्चे दिल नाल उत्थे प्रार्थना करया कर, तेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। लड़की गई, उसने जाके मंजी साहब पकड़ ली, मंजी साहब है ना जिस पर गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान होते हैं, उसको पकड़ कर रोई। उस औरत ने कह दिया था प्रिंसिपल ने मैं तेरी कल ट्रांसफर करानी है, मैं कल कर ली है। वहाँ रोई आ गई, सवेरे गई स्कूल, डरती डरती गई कि मेरे तो ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाने हैं। तो उस सरदार साहब ने मुझे बताया कि उसका ट्रांसफर नहीं आया बल्कि प्रिंसिपल का ट्रांसफर आ गया। क्या कहा मैंने, वो प्रिंसिपल ही ट्रांसफर हो गई। अरे सच्चे दिल से दुआ करो, वो हर जगह आपके साथ है। बाबा फकीर ने कह दिया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में जाओ, कोई भी तकलीफ आई है, कोई भी मुसीबत आई है, कोई भी ऐसा हाल बन गया जो तुम्हारे लिए असहनीय है, अपने कमरे में जाओ, आंख बंद करो, हाथ जोड़कर उसके साथ जुड़ जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम सारी हल हो जाएगी। क्या कहा मैंने, असी सुखा सुख लेंदे, मेरा काम यह हो जाए तो मैं यह करूँगा, नहीं ऐसा नहीं, वहाँ रिश्वत नहीं चलती, वहाँ नहीं रिश्वत चलती, वहाँ प्यार चलता है। अंदर का प्यार पैदा कर लो उसके लिए, वो तुम्हारा है तुम उसके हो। इसलिए कहा गया जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए, सुखी रहो खुश रहो, परिवार आपके सुखी रहे, मेरी हार्दिक शुभकामना, तुम्हें मालिक सब तरह से माला माल कर दे, आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।